दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब इस प्रदर्शन में राजनैतिक और गैर राजनैतिक संगठनों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धरने में हस्तक्षेप कर समाप्त कराने की अपील की है। आपको बता दें कि कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल मांडी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए मांग की कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने प्रदर्शन से देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहलवानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर धरना समाप्त कराया जाए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल मांडी ने कहा कि पार्टी लगातार सामाजिक कार्यों में रुचि रखती है, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के मामले में स्वयं संज्ञान लें और हस्तक्षेप करके इस धरने को समाप्त कराने का काम करें। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों का धरना गैर जातीय और गैर राजनीतिक संगठनों का गढ़ बन गया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में जाति बिरादरियों में सद्भावना ना हो के सद्भाव खराब हो जाए। और वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। ये जो पिछले 20 दिनों से महिला पहलवानों का जो धरना चल रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आग्रह करती है कि वो इस मामले में स्वयं संज्ञान लें और स्वयं हस्तक्षेप करके इस धरने को समाप्त कराने का काम करें। क्योंकि ये धरना रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि जातीयता राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का गढ़ बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में जाति बिरादरी में सद्भाव ना होकर और सद्भाव खराब हो जाए। और अगर ज़्यादा दिन तक ये धरना चलता रहा तो बहुत संभावना है कि महिलाओं में हीन भावना होगी और पहलवानी में जाने से बचेंगी। इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग भी करती है कि तुरंत चूँकि ये धरना समाप्त कराया जाए। चूँकि महिला न किसी जाति की है, न किसी धर्म की है, न किसी राजनीतिक पार्टी की है, बल्कि वो देश की धरोहर हैं। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैं तो इस विचारधारा को हूँ, अगर मीटू जैसा कानून न बनता तो ये देश के अंदर स्थिति पैदा न होती। और सरकार को चाहिए कि मीटू जैसे कानून समाप्त करके महिलाओं की, अगर वो वास्तव में खैर खवार हैं और चुनाव में वादे करते हैं, तो उनको महिला का लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण रखना चाहिए। क्या लगता है जैसे मामले को जाट वर्सेस राजपूत बनाया जा रहा है? देखिए, इसीलिए हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राजनीति और गैर राजनीतिक लोग, कुछ ऐसे संगठन भी हैं गैर राजनीतिक जो उसका अखाड़ा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिला पहलवानों के साथ में ये राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो संगठन है ये अखाड़ा न बना पाए। इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इसमें सीधा आप हस्तक्षेप करके और एक उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाकर धरना समाप्त करवाने का प्रयास करें। क्योंकि आज देश की जनता को नेताओं पर बहुत कम विश्वास रहेगा। 80% जनता नेताओं पर विश्वास नहीं करती, बल्कि IAS और IPS अधिकारी विश्वास करती है। उनको इस धरने में इस्तेमाल किया जाए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की, FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए, गिरफ्तारी का जहाँ तक सवाल है, गिरफ्तारी जाँच होकर होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में दोषी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो जांच को प्रभावित कर सकता है, कहना है कुछ लोगों का। देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, के साथ छेड़छाड़ करेंगे। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी काफी दिन होती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, आज उनके कोर्ट में बयान हो रहे हैं और सरकार जांच में मतलब यह है कि कोर्ट के बयान के आधार पर गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। लेकिन हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप करके इसको राजनीतिक और गैर राजनीतिक अड्डा ना बनने दें। उन्होंने कहा कि यदि महिला पहलवानों का धरना ज्यादा दिन तक चलता रहा तो बहुत संभावना है कि महिलाओं में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसमें बालिकाएं पहलवानी में जाने से भी बचेंगी।